हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पर जिस वीडियो में हीरो करिश्मा एक्जमार 2023 मॉडल का कंपैरिजन KTM RC 200 के साथ करने वाले हैं, क्योंकि करिश्मा एक्जमार को अभी फिर से रिलॉन्च किया गया है। ऐसे में इंडियन मार्केट में इसका मुकाबला KTM RC 200 से भी बनता है। तो ऐसे में अगर आप 200 cc सेगमेंट बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो ये भी दोनों आपकी पसंद बन सकती है। तो कौन सा आपको लेना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग इन दोनों के बीच में भी कंपैरिजन के लिए बोल रहे थे, तो उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आइए जान लेते हैं दोनों में कितना डिफरेंस है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक पॉइंट हमेशा की तरह क्रॉप ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हीरो करिश्मा एक्जमार लेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ पे आइकॉनिक एलो, टर्बो रेड और मैट फैंटम ब्लैक मिल जाता है। लेकिन वहीं अगर आप KTM RC 200 लेते हैं तो यहाँ पे केवल 2 कलर ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ पे डार्क गैलियनो और मेटेलिक सिल्वर मिल जाता है। तो ज़्यादा कलर ऑप्शन आपको करिश्मा मिल जाती है। बाकी जो लुक और डिजाइनिंग है वो यहाँ पे देख सकते हैं। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए डिजाइनिंग बता दे रहे हैं, बाकी अगर आप पहले से डिजाइनिंग इसकी देख रहे हैं तो आप इस वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडलैम्प सेक्शन देख सकते हैं, जहाँ पे एच शेप का आपको DRS मिल जाता है, क्लास डी प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेक्शन लगा हुआ है। इसके अलावा इसका वाइजर देख सकते हैं, काफी बड़ा वाइजर दिया गया है, जहाँ पे इसका जो वाइजर है यानी कि जो विंड स्क्रीन है इसको आप बटन प्रेस करके ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। रियर व्यू मिरर्स आप देख सकते हैं, इसका टर्न इंडिकेटर लाइट भी देख सकते हैं, काफी यूनिक सा मिल जाता है। बाकी साइड से इसका लुक दे सकते हैं, जहाँ पे एक्जमार की बेजिंग मिल जाती है, बड़ा सा फ्यूल टैंक मिल जाता है, काफ़ी मस्कुलर है, स्प्लिट सीट दी गई है, पीछे स्प्लिट ग्रेवियर मिल जाता है। बाकी एग्जॉस्ट सिस्टम की डिजाइनिंग भी इसकी देख सकते हैं, और पीछे स्टाइलिश टेलम सेक्शन मिल जाता है। लेकिन वहीं अगर आप KTM RC 200 लेते हैं तो इसका लुक आप पहले से देखते आ रहे हैं, जहाँ पे इसमें भी फ्रंट में काफ़ी बड़ा सा हेडलैम्प सेक्शन मिल जाता है, और यहाँ पे कार्बन फाइबर की फिनिश भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसका विंड स्क्रीन काफ़ी बड़ी मिल जाती है। बाकी अगर इसका साइड से लुक देखते हैं तो यहाँ पे आपको KTM की बड़ी सी बैजिंग मिल जाएगी, RC 200 की ग्राफिक्स मिल जाती है। बाकी मस्कुलर टैंक यहाँ पे भी दिया गया है, यहाँ पे आपको नए डिजाइनिंग का स्प्लिट सीट भी मिल जाता है। तो यहाँ पे ओवरऑल आप लुक देख सकते हैं, तो लुक वाइज जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे उसको आप ले सकते हैं। दोनों ही काफी अच्छे लुक के साथ आ जाती है। दोनों में से किसका लुक आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आगे बात कर लेते हैं इनके इंजन की। तो करिश्मा एक्जमार में 210 cc का 4-valve लिक्विड कूल्ड DOSC फ्यूल इंजेक्शन इंजन लगा हुआ है। लेकिन वही अगर आप KTM RC 200 लेते हैं तो इसमें 199.5 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल DOSC फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाती है। दोनों ही OBD2 सेंसर E20 फ्यूल कैपेबल के साथ मिल जाती है। लेकिन जो करिश्मा का इंजन है 9250 RPM पर 25.5 PS का पावर, जबकि 7250 RPM पर 20.4 Nm का टॉर्जन करती है। लेकिन वही अगर आप KTM RC 200 लेते हैं इसका इंजन 10,000 RPM पर 25 PS का पावर, जबकि 8,000 RPM पर 19.2 Nm का टॉर्जन करती है। तो यहाँ पे आपको पावर फिगर बढ़िया करिश्मा एक्जमार में मिल जाती है। बाकी दोनों में ही 6-speed गियर बॉक्स दिया गया है, दोनों में केवल इलेक्ट्रिक स्टार्टर मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे पावर फिगर में आपको डिफरेंस मिल जाता है। करिश्मा काफ़ी अच्छी पावरफुल इंजन के साथ अब मिल जा रही है, हालांकि 10 cc ज़्यादा इंजन भी दिया गया, इसलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी पावर मिल रही है, टॉर्क बढ़िया देखने को मिल रही है। तो KTM RC 200 को टक्कर देने के लिए करिश्मा बिल्कुल आगे है, यहाँ पे इसका पावर फिगर देख सकते हैं। बाकी सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो करिश्मा के फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में 6-step एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन लगा हुआ है। लेकिन वही अगर आप KTM RC 200 लेते हैं तो इसके फ्रंट में WP Apex अपसाइड डाउन फॉक और रियर में WP Apex मोनोशॉक 10-step एडजस्टेबल सस्पेंशन लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे RC 200 में बेहतर आपको देखने को मिल जाती है। करिश्मा में फ्रंट में थोड़ी सी कमी है, अपसाइड डाउन फॉक होता ज़्यादा बेहतर होता। बाकी इनके टायर साइज की अगर बात करें तो करिश्मा के फ्रंट में 100x80 का 17 inch और रियर में 140x70 का 17 inch के ट्यूबलेस टायर लगे हुए हैं। लेकिन वही अगर आप RC 200 लेते हैं तो इसके फ्रंट में 110x70 का 17 inch और रियर में 150x60 का 17 inch के ट्यूबलेस टायर लगे हुए हैं। तो टायर साइज भी यहाँ पे आपको थोड़े से चौड़े KTM RC 200 मिल जाते हैं। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो करिश्मा में फ्रंट के साइड 300mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 230mm का डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। तो वहीं RC 200 के फ्रंट में 320mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 230mm का डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। तो ब्रेकिंग सिस्टम फ्रंट के साइड आपको थोड़ी बेहतर RC मिल जाती है, तो ये भी थोड़ा सा आपको अंतर मिल जाएगा। बाकी बात कर लेते हैं इनके फीचर्स में कितना आपको अंतर मिल जाता है। तो अगर आप करिश्मा लेते हैं तो इसमें डुअल चैनल का ABS दिया गया है, तो वहीं KTM RC 200 में भी सुपर मोटो ABS डुअल चैनल का मिल जाता है। करिश्मा में LED हेडलैम्प के साथ आपको LED DRS देखने को मिल जाता है, जो कि RC 200 में भी LED हेडलैम्प के साथ LED DRS आपको देखने को मिल जाएगा। करिश्मा में LCD इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिल जाता है, जहाँ पे टर्न बाई टर्न नेविगेशन भी देखने को मिल जाएगा, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ आती है, और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसके डिस्प्ले में आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप RC 200 लेते हैं तो इसमें आपको LCD डिस्प्ले मिल जाता है, लेकिन ये कोई कनेक्टिव फीचर के साथ नहीं मिलेगा। यहाँ पे स्पीड, RPM, गियर पोजीशन इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, फ्यूल, ये सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं जो कनेक्टेड फीचर है आपको करिश्मा में मिल जाती है, KTM में नहीं दिया गया है। करिश्मा में क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिल जाता है,
वहीं RC 200 में एडजस्टेबल आपको हैंडल बार्स और राइजर मिल जाता है, यानी कि ऊपर भी एडजस्ट कर सकते हैं। करिश्मा में आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिल जाता है, जो कि RC 200 में आपको देखने को नहीं मिलेगा। करिश्मा में हजार्ड स्विच मिल जाता है। करिश्मा में इंजन किल स्विच दिया गया है, जो कि RC 200 में भी इंजन किल स्विच मिल जाता है। करिश्मा में आपको स्प्लिट सीट के साथ स्प्लिट गियरबॉक्स मिल जाता है, और RC में भी आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है। करिश्मा में USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, जहाँ से स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं, जो कि RC 200 में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा करिश्मा में आपको साइड में एग्जॉस्ट सिस्टम मिल जाता है, लेकिन जो RC 200 आती है अंडर बेली एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है, तो ये भी थोड़ा सा आपको अंदर देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली जो फीचर्स में अगर आप डिफरेंस देखेंगे, तो थोड़ी से ज़्यादा फीचर्स जरूर आपको करिश्मा में मिल जाती है। करिश्मा में कनेक्टेड फीचर वगैरह भी मिल जाती है, जो कि आपको RC 200 में देखने को नहीं मिलेगी। तो फीचर्स में थोड़ा सा आपको अंदर जरूर मिल जाएगा। बाकी माइलेज की अगर बात करें, तो करिश्मा की जो टॉप स्पीड है या फिर माइलेज अभी टेस्टिंग नहीं हुई है, फिर भी मान के चल सकते हैं करिश्मा में आपको 40 kmpl तक माइलेज मिल जाएगी। टॉप स्पीड 145 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन वही RC 200 है, इसमें भी आपको 35 से 40 kmpl तक माइलेज मिल जाती है। टॉप स्पीड इसकी 145 kmps तक है। बाकी इनके कुछ डायमेंशन की अगर बात करें, तो करिश्मा का जो लेंथ है 2068 mm, V760 mm, हाइट 1110 mm, व्हील बेस 1351 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm, सीट हाइट 810 mm, फ्यूल टैंक 11 liters का जो कर्व वेट है 163.5 kg है। लेकिन वही अगर आप RC 200 लेते हैं, तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 156 mm, सीट हाइट 835 mm, फ्यूल टैंक 313.7 liters की है, इसका जो कर्व वेट है 156 kg है। तो यहाँ पे आपको करिश्मा में ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बेहतर मिल जाती है, सीट हाइट भी करिश्मा कम है, और यहाँ पे आपको हल्की RC 200 मिल जाती है। तो ये आपको डायमेंशन में कुछ अंतर मिल जाएगा। बाकी मेन बात आती है कौन सा आपके बजट रेंज के अंदर आ सकती है। तो जाहिर सी बात है KTM के जो बाइक्स आते हैं काफ़ी महंगे आते हैं। तो जो करिश्मा है, इसकी जो एक्सम दिल्ली में प्राइस है 2023 मॉडल के साथ 172,900, यानी कि 172,900 रुपये तक है। लेकिन अगर आप KTM RC 200 2023 मॉडल लेते हैं, तो इसका एक्सम दिल्ली में प्राइस 217,696, यानी कि 217,696 रुपये तक है। तो देख सकते हैं इनके प्राइसिंग में लगभग आपको 45,000 रुपये का फर्क देखने को मिल जा रहा है। आपको 45,000 रुपये तक सस्ती करिश्मा मिल जा रही है KTM RC 200 के मुकाबले में। और करिश्मा में आपको ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, पावर भी ज़्यादा देखने को मिल रही है, केवल जो सस्पेंशन है वहीं भी थोड़ी सी कमी की गई है। बाकी करिश्मा ओवरऑल KTM RC 200 से ज़्यादा बेहतर फीचर्स और लुक के साथ मिल रही है, और आपको सस्ती भी मिल रही है। तो देख सकते हैं बेसिकली इनके प्राइस में सबसे बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो करिश्मा है इसकी ऑन रोड प्राइस KTM के एक्सट्रीम प्राइस से भी कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। तो प्राइस में आपको सबसे बड़ा डिफरेंस मिल जा रहा है। अगर आपका बजट काफ़ी कम है, फेयरिंग सेगमेंट की 200cc में कोई बाइक यूज़ करने की सोच रहे हैं, तो ऐसे में करिश्मा आपकी एक पसंद बन सकती है, अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगी। तो बेसिकली इनमें यही आपको डिफरेंस मिल जाता है। जितने भी डिफरेंस थे मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में बता दिए हैं। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप करिश्मा का कंपैरिजन किसी और बाइक जैसे कि RS 200, R15 या फिर Xtreme 200S के साथ भी देखना चाहते हैं, तो ऊपर वीडियो बन चुका है, जाकर आप देख सकते हैं। बाकी और भी करिश्मा का किस बाइक के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं बता सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो बना दी जाएगी। तो यहाँ पे इस वीडियो में फिर इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इन दोनों में से आपको कौन सा ज़्यादा बेहतर लगा, KTM के बाइक आपको ज़्यादा अच्छे लगे या फिर हीरो की करिश्मा आपको पसंद आई, ये बात आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।